प्रस्तावक जो होते हैं उनका जो प्रस्तावक होते हैं बड़ा सोच समझ के उनके नाम का चयन किया जाता है। और इस बार भी जिस तरह से आप कह रही हैं कि सबका साथ सबका विकास, उसको ध्यान में रखते हुए प्रस्तावकों का चयन किया गया है। आपसे बात तो होती रहेगी। रामगोपाल के पास एक बार चलते हैं, होटल ताज में मौजूद हैं, क्योंकि तमाम जो VVIPs हैं जो नामांकन में पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री के, उनका आना शुरू हो गया है। रामगोपाल जरा ये बताइए, अब तक कितने VVIPs इस वक्त ताज होटल में पहुंच चुके हैं, कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो हमारे दर्शकों को बताएंगे कि वहां पर पहुंच चुके हैं, और अभी और कितने लोगों का आना बाकी है? पहले अपडेट तो यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष यहां से होटल ताज से निकल गए हैं और वो काल भैरव मंदिर गए हैं। वहां पे वो प्रधानमंत्री के साथ पूजा पाठ में शामिल होंगे। जब प्रधानमंत्री अब से कुछ देर में काल भैरव पहुंचेंगे तो वहां पे पूजा पाठ होगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, ये दोनों लोग इस होटल ताज से यहां पे निकल चुके हैं और इस समय यहां की जो स्थिति है। ठीक है रामगोपाल आपके पास आएंगे, शायद अनूप के पास हम चलते हैं। अनूप, वहां पर क्या हलचल दिखाई दे रही है? देखिए, आपको बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंच चुके हैं और जिस तरीके से सिक्योरिटी के प्रबंध किए गए हैं, इसका अर्थ यही है कि थोड़ी ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच जाएंगे। यानी कि यहां हलचल तेज हो गई है और जिस बात का इंतजार यहाँ के लोग कर रहे थे, सभी लोग कर रहे थे कि नामांकन से पहले वो काल भैरव मंदिर आएंगे, तो थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव मंदिर आने वाले हैं और विधि विधान के साथ वो यहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद यहाँ से वो कचहरी जाएंगे और वहाँ उनका नामांकन होगा। यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ से आशीर्वाद लेकर के वो नामांकन भरने जा रहे हैं और उसके बाद एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तरफ से उस नामांकन के जरिए किया जाएगा। और बीजेपी की कोशिश है, जिस तरीके से अभी जो लोग बता रहे थे कि बीजेपी और जनता जो कार्यकर्ता बीजेपी की है वो चाहती है कि 405 सीटों से ज़्यादा जो सीट है बीजेपी लाए, तो ये कह सकते हैं कि इन्हीं का आशीर्वाद लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी चाहती है कि बीजेपी को एक प्रचंड जीत इस लोकसभा चुनाव में मिले। और जिस तरीके से हमने कल देखा नीलू, वाकई जिस तरह से 2009 या 2014 में हमने देखा, 2019 में हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर रोड शो किया था, उससे कहीं ज़्यादा लोगों की का हुजूम जो है वो सड़कों पर था और लोग आतुर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक झलक के लिए। और इसी का है, देखिए यहाँ रोड शो नहीं हो रहा है, यहाँ सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल भैरव का आशीर्वाद और पूजा अर्चना करने पहुँचे हैं। लोगों को के लिए यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई प्रबंध नहीं था, उसके बावजूद जो बनारस की जनता है, काशी की जनता है, वो यहाँ पहुँची और स्वेच्छा से लोगों का कहना है कि वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक झलक देखना चाहते हैं, क्योंकि इनका मानना और है कि जिस तरीके से लगातार ये कहती रही है कि 2014 के बाद काशी की किस्मत बदली है, काशी जिस विकास की बाट जो रहा था, बाबा विश्वनाथ की नगरी थी लेकिन जिस विकास की बाट जो रहा था वो विकास से कोसों दूर था, लेकिन जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे तो यहां की तकदीर और तस्वीर बिल्कुल बदल गई। और यही वजह है कि काशी की जनता का अपार प्रेम प्रधानमंत्री को मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि 2014 से पहले भी हम लोगों का, मीडिया पर्सन का यहाँ पर काशी में आना होता रहा है, लेकिन हमने देखा है चाहे वो एयरपोर्ट से शहर के रोड की बात करें, चाहे फिर काशी के अंदर शहर में जो स्वच्छता की बात करें, इसके आधुनिकीकरण की बात करें, घाटों की दशा की बात करें, तो पिछले 10 सालों में आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। जिस तरीके से काशी कॉरिडोर निर्माण किया गया, जिस तरीके से अगर आप गदौलिया चौक चले जाएं जहां से काशी विश्वनाथ मंदिर का रास्ता जाता है वहां चले जाएं, तो जिस तरह से सौंदर्यीकरण और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया गया, जिस तरह से घाटों का एक तरह से पुनरुत्थान किया गया है, तो ये वाकई बहुत है। और यही वजह है कि यहाँ की जनता अपार प्रेम करती है और इसका एक नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़क के किनारे लगातार SPG हों या फिर
उत्तर प्रदेश पुलिस है लगातार सुरक्षा का हवाला देते हुए यहां से लोगों को हटने के लिए कह रही है। उसके बावजूद जिस तरीके से लोगों का जमावड़ा, चाहे वो आप देख सकते हैं छत के ऊपर लोग खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं, देखिए चिलचिलाती धूप है उसके बावजूद, और आपको तस्वीर यही नहीं आपको दिखाऊं कि ये सड़क तो भले ही सिक्योरिटी के लिहाज से सैनिटाइज किया। बिल्कुल, उपेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब अनूप जी आपसे भी बातचीत होती रहेगी, हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों पर है। उपेंद्र इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से नमो घाट के लिए निकल गए, तस्वीरें देखिए, क्रूज के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब नमो घाट जा रहे हैं। नमो घाट से प्रधानमंत्री काल भैरव के लिए जाएंगे, एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। नमो घाट से के लिए प्रधानमंत्री यहां से चल दिए हैं, क्रूज आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कि क्रूज अब नमो घाट की तरफ जाता हुआ, तो ये जो रोरो है इसी पे प्रधानमंत्री नमो घाट के लिए निकल गए हैं। तो कुछ देर उन्होंने घाट पर बिताए, उसके बाद अब नमो घाट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रूज के जरिए निकल गए हैं। तो अब जो गंगा पूजन का कार्यक्रम है वो हो गया है, और इसके बाद नमो घाट से वो सीधे काल भैरव मंदिर पहुंचेंगे, और काल भैरव मंदिर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी